अंशा, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ओजीवा के विटामिन ई कैप्सूल्स के बारे में। और विटामिन ई के बहुत सारे कैप्सूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। विटामिन ई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए। सर्दियों में तो ज़्यादातर लोग विटामिन ई के कैप्सूल्स यूज़ करते हैं, जो इवियन आता है उसको यूज़ करते हैं ड्राइनेस को दूर करने के लिए। पर वो सिर्फ ड्राइनेस को दूर करते हैं, बहुत अच्छे से जो विटामिन ई होता है हमारे स्किन को, हेयर को, स्कैल्प को और को बहुत अच्छे से नरिश करता है, बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। इसीलिए विटामिन ई यूज़ किया जाता है। ओजीवा का जो विटामिन ई कैप्सूल्स हैं, इसमें विटामिन ई तो है ही, इसके साथ ही साथ इसमें आर्गन ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, एलोवेरा ऑयल है। जो भी चीज़ें इसमें यूज़ की गई हैं सारी प्लांट बेस्ड हैं, जो कि बहुत अच्छे से आपकी स्किन को, आपके हेयर को हेल्दी बनाने में हेल्प करती है। तो इसी के बारे में, इन्हीं कैप्सूल्स के बारे में आपको बताने वाली हूँ। अगर आप भी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस से परेशान हैं, आपकी स्किन, आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे हो रहे हैं, बेजान हो रहे हैं, तो ये वीडियो आप ज़रूर ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पैकेजिंग की बात करूँ तो ऐसे कंटेनर में ही आता है और 60 कैप्सूल्स इसमें आते हैं। और प्राइस की बात करूँ तो 700 अराउंड इसका प्राइस है। ये जो विटामिन ई कैप्सूल्स हैं 100% नेचुरल हैं, सारी नेचुरल चीज़ें इसमें यूज़ की गई हैं। प्रिजर्वेटिव्स यूज़ नहीं किए गए हैं, नॉन GMO हैं, सोए फ्री हैं ये कैप्सूल्स। और ये जो कैप्सूल्स हैं ये आपकी स्किन को रिपेयर करने का काम करेंगे, ड्राइनेस को दूर करेंगे, मॉइस्चराइज करेंगे, हाइड्रेट करेंगे, हेयर को शाइनी बनाएंगे, स्कैल्प में जो ड्राइनेस आ जाती है उसको दूर करेंगे, आपके पिगमेंटेशन, आपको डार्क स्पॉट्स हैं, एक्ने मार्क्स हैं उनको लाइट करने में हेल्प करेंगे। विटामिन ई आपके एक्ने की प्रॉब्लम को भी दूर करता है। अब ये नहीं करेगा कि एक्ने जो हैं उनको कम कर दे, पर एक्ने आने नहीं देगा। विटामिन ई बहुत अच्छा होता है एक्ने के लिए, पिंपल्स के लिए, तो इन चीज़ों को भी ठीक करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बालों का टेक्सचर ख़राब है, बहुत ज़्यादा स्प्लिटेंट है, बहुत ज़्यादा रूखे हो गए हैं, तब भी आप ये विटामिन ई के कैप्सूल्स यूज़ कर सकते हैं। तो आप स्किन रिलेटेड, हेयर रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को इन कैप्सूल से दूर कर सकते हैं। जो कैप्सूल्स हैं इसमें सनफ्लावर ऑयल यूज़ किया गया है, जो कि बहुत अच्छा होता है आपकी हेयर ग्रोथ के लिए और हेयर से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है, साथ ही साथ स्किन पर ग्लो लाने का भी काम करता है। इसमें यूज़ किया गया है आर्गन ऑयल। आर्गन ऑयल एक्ने के लिए बहुत अच्छा होता है, हेयर फॉल हो रहा हो उसके लिए बहुत अच्छा है। इसलिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप देखेंगे शैम्पू वगैरह में आजकल आर्गन ऑयल का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। फिर इसमें यूज़ किया गया है एलोवेरा ऑयल। तो एलोवेरा के बेनिफिट सबको पता ही है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, हाइड्रेट करेगा, मॉइस्चराइज करेगा, बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छे से ये काम करता है, बालों को, स्किन को हेल्दी बनाने में बहुत हेल्प करता है। बात करते हैं इन कैप्सूल्स को लेना कैसे है। खाली पेट बिल्कुल नहीं लेना है, आप अपना मॉर्निंग में लंच करने के बाद या डिनर करने के बाद इसका एक कैप्सूल ले सकते हैं। पूरे दिन में सिर्फ एक कैप्सूल ही लेना है, एक कैप्सूल ही सफिशिएंट रहेगा। ये जो जब आप इन कैप्सूल्स को यूज़ कर रहे हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको कोई स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी रहेगी, पर हाँ अगर आप एक हेल्दी डाइट लेते हो तो इसका ज़्यादा अच्छा असर मिलेगा। और जंक वगैरह आप नहीं लेंगे तो इसका ज़्यादा अच्छा असर दिखेगा और ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इसलिए जब भी आप कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हो तो जंक फूड वगैरह बिल्कुल अवॉइड करो, एक हेल्दी डाइट लो, एक्सरसाइज करो और खूब सारा पानी पियो, तो इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एक बात और, ये जो कैप्सूल्स हैं इनका रिज़ल्ट दिखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10-15 दिन में कुछ नहीं होगा। 10-15 दिन में बस आपकी स्किन थोड़ी सी हेल्दी नज़र आएगी, बाल थोड़े से हेल्दी नज़र आएंगे, पर आप जब इसको 3 महीने तक रेगुलर लेंगे, 3 से 6 महीने तक, तब आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और जो रिजल्ट्स होंगे वो परमानेंट होंगे, आपकी स्किन हेल्दी रहेगी और आपकी जो हेयर हैं काफ़ी हेल्दी रहेंगे। बिल्कुल आप एक बार इन कैप्सूल्स को यूज़ करके ज़रूर देखिए। अगर आपको विटामिन ई डेफिशिएंसी है जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स है तो आप बिल्कुल इनको ले सकते हैं। अगर आप इनको नहीं लेना चाहते हो किसी कारण से तो आप विटामिन ई रिच फ्रूट्स और ऐसी चीज़ें कंज्यूम कर सकते हैं जिनमें विटामिन ई बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, तो
वो सारी चीज़ें लेके भी आप विटामिन ई की कमी को पूरा कर सकते हैं और आप अपने स्किन को, हेयर को ही नहीं, ओवरऑल जो आपकी हेल्थ है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो क्या करना है, जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।